अम्बाला में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 14 डिग्री से कम, तो वहीं रात के तापमान की बात करें तो 6 डिग्री से नीचे ही आता दिख रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। कई दिनों से घना कोहरा छाने के कारण और पश्चिम से ठंडी हवाएं चलने के कारण पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है। लगातार पड़ रही घनी धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहां तक कि वाहनों को रेंग कर चलना पड़ रहा है। वहीं लगातार पड़ रहे कोहरे और पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अम्बाला में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 14 डिग्री से कम हो गया। वही बात अगर रात के तापमान की करें तो वो भी 6 डिग्री से नीचे चला गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से लोगों के कारोबार पर भी बहुत असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सूरज दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ठंड बहुत बड़ी है और ठंड के कारण रास्ते में रुककर अलाव जलाकर ठंड को कम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम लखबीर चंद। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है जी, काम धंधे का सत्यानाश हो गया ठंड की वजह से और बस आग ही सेक रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड के कारण दुकानदारों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। उनका कहना है कि दुकानों पर भी काम नहीं है, ग्राहक बाजार में नजर नहीं आता, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, बाजार सूने नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग ठंड के कारण अपने घर में दुबकने पर मजबूर हैं। सर, पिछले कई दिनों से बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, शीत लहर अपने उफान पे है, लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, काम धंधे में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अलाव का सहारा सर गांव में तो अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, दूरियां वाल का बैठे रहा, लेकिन शहर में बहुत दिक्कत है, मार्केट में आके बहुत दिक्कत है। मार्केट में ना कोई दुकान पे आ रहा है, ना मार्केट खुल पा रही है ढंग से, ना लोग अपने काम धंधे पे आ पा रहे हैं। बता दें कि अगले सप्ताह भी ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है, साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि 3 दिनों के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।